ये है दिल्ली दर्पण। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माहे भवानी। जो भगवान से मिलने की एक फीलिंग होती है वो आज फीलिंग है इन प्रभुओं से मिलने के बाद। मैंने देखा यहाँ एक से एक VIP आए हैं, लेकिन इतना भाव, जबरदस्त भाव है इनका। सब मर्द मावड़े बड़े खुद्दार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। बवाना इलाके में होली पर मस्ती से नाचते झूमते ये अपना घर आश्रम में रह रहे लोग हैं जिनका कोई नहीं है। अगर हैं तो भी वे दूर रहते हैं, लेकिन अपना घर आश्रम से जुड़े लोग, संचालक और सेवा करने वाले लोग इन्हें प्रभु कहते हैं। होली के दिन इन प्रभु से मिलने और उनके साथ होली मनाने दिल्ली BJP मंदिर प्रकोष्ठ संयोजक कर्नल सिंह अपना घर आश्रम पहुंचे। इसके बाद क्या था माहौल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कर्नल सिंह ने उन्हें गुलाल लगाया, उन्हें माला पहनाई तो उनके साथ मस्ती में झूमते नाचते नजर आए। अपना घर में होली पर इन बीमार, बेसहारा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों ने कई घंटों तक खूब मस्ती की। इनके साथ कर्नल सिंह ने काफी वक्त बिताया और उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर कर्नल सिंह के साथ स्थानीय निगम पार्षद के पति अमन कुमार, मंदिर प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनु पांडे भी मौजूद थे। इस होली मिलन के आनंद को शब्दों में व्यक्त करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कर्नल सिंह को उनसे मिलकर लगा जैसे सचमुच में ये लोग प्रभु हैं। जो भगवान से मिलने की एक फीलिंग होती है वो आज फीलिंग है इन प्रभुओं से मिलने के बाद। कि जो हमारा देश के संवैधानिक रूप पे नेतृत्व करने वाले लोग वो इतना काम करें, इतनी मेहनत करें कि हमें ये आश्रम खोलने की जरूरत ही ना पड़े। उसके साथ साथ हमारा भारतवर्ष सांस्कृतिक देश है, हमारी संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि माँ बाप की सेवा कैसे करनी है। माँ बाप ही भगवान है, भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो आपके घर में रहते हैं। और आज तो होली है, आज बड़ा खुशी का दिन है और इनके चेहरों पर लगी रौनक थी। जब हमने इनको टीका लगाया, तिलक लगाया गुलाल से, तो इनको इनके चेहरे पर लगी रौनक दिखी। इनको भी एहसास होता है कि कोई अपना हमारे साथ भी होली मना रहा है। अपना घर आश्रम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कभी सड़कों पर गंदगी, घायल, बीमार हालत में पड़े थे, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कर्नल सिंह ने अपना घर के संचालकों और सेवादारों से भी मुलाकात की और इनके बारे में जानकारी ली। सबको सुनकर कर्नल सिंह ने अपना घर के संचालकों और सेवादारों को प्रभुतुल्य बताया और उनका सम्मान किया। यूं तो कितने ही सेवाभावी और VVIP लोग अपना घर आश्रम आते हैं, लेकिन कर्नल सिंह की सादगी और सेवा भावना ने इन्हें बेहद प्रभावित किया। ये कोई दिखावे से नहीं होता, ये मन की पीड़ा से होता है। उन्होंने इनकी पीड़ा समझी, यहाँ की सेवा को देखकर उनके मन में भाव जगे कि ये तो अद्भुत काम हो रहा है। और ये जो आज सर कर्नल सिंह जी ने यहाँ बैठकर, मैंने देखा यहाँ एक से एक VIP आए हैं, लेकिन इतना भाव, जबरदस्त भाव है इनके अंदर भी। और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि उनके साथ इस सेवा को और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अमूमन होली का त्यौहार लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बुजुर्ग, बीमार, बेसहारा लोगों की सेवा ही सच्ची सेवा लगती है और इसी में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। यही आनंद की अनुभूति होली के दिन मंदिर प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं और कर्नल सिंह को भी हुई। ये होली उनके लिए विशेष बन गई और इन प्रभु के लिए कुछ विशेष करने की मंशा उनके मन में घर कर गई। दिल्ली दर्पण TV के लिए नवीन के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।